हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर चैनल पढ़ते रहो। और आज हम लोग यहाँ पर मैथ्स की क्लास करने वाले हैं। आपके पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम की, तो आपके जो एग्जाम्स की डेट है वो अब तक पहुंच चुकी है और आपके एग्जाम्स अप्रोक्सीमेट लास्ट फरवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होने वाले हैं। तो अब जब आप इतने करीब आ चुके हैं अपने एग्जाम के, तो चलिए जाग जाइए। वो एक पुरानी कहावत है ना कि अगर आपको चैन से सोना है तो आज जागना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, अब आप लोगों के भी जागने का टाइम आ गया है और आपका जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को आप अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए। जो भी चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं, उन सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए, और जो भी चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं, उन चैप्टर्स के फंडामेंटल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने बहुत ही जरूरी है। तो आज हम लोग यहाँ पर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर एक हम लोग एज अ क्विक रिवीजन की बात करते हैं, तो आपको फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने पड़ेंगे इस चैप्टर को करने के लिए, क्योंकि बहुत सी कंफ्यूजन होती हैं बच्चों में कि सर कहां पर जेड एक्स, अल्टरनेट इंटीरियर, वर्टिकल अपोजिट, और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जिनकी वजह से क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक क्विक एंड फास्ट रिवीजन ऑफ योर चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर का क्विक रिवीजन। चैप्टर का नेम अभी आपको बताया गया क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। देखिए, चैप्टर के नेम में आपको यहां पर टू नाउंस दिखाई दे रहे हैं, ये तो हो गया लाइंस। लाइंस इस चैप्टर में आपको जो टू लाइंस पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, इस चैप्टर में आपको जो टू लाइंस पढ़नी है, फर्स्ट नंबर में आपको पढ़ना होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कोई भी ऐसी टू लाइंस जो आपस में एक दूसरे को कट करेंगी किसी भी डिस्टिंक पॉइंट पर, वही हो जाएंगी आपके लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट कंडीशन में आपको पढ़ना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। आप इनफाइनाइट तक इन्हें बढ़ाते चले जाइए, सुबह से बैठिए शाम तक बढ़ाइए, फिर भी ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दीज आर द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, और ये है आपके लिए इंटरसेक्टिंग लाइन। ट्रांसवर्सल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर एंगल्स की। देखिए, जब आप छोटी क्लास में थे, तो छोटी क्लास में आपने डिफरेंट टाइप के एंगल्स पढ़े होंगे, सच एज आपने एक्यूट एंगल पढ़ा होगा, राइट एंगल पढ़ा होगा, देन आपने ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ा होगा, स्ट्रेट एंगल पढ़ा होगा, रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा होगा, एंड कंप्लीट एंगल पढ़ा होगा। अगर हम इन सभी की बात करते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं अपनी पुरानी चीजें। अगर हमारा एंगल 0 से 90 के बीच है, लेस देन 90 है, तो वो एक्यूट एंगल की कंडीशन में होगा। एग्जैक्ट 90 है, राइट एंगल। 90 टू 180 ऑब्ट्यूस एंगल, एग्जैक्ट 180 स्ट्रेट एंगल, 180 टू 360 रिफ्लेक्स एंगल, एंड एग्जैक्ट 360 कंप्लीट एंगल। ये सारे के सारे एंगल्स हमने पढ़े हैं, और यहां पर आपको क्या पढ़ना है, यहां पर आपको पढ़ने हैं इनके अलावा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इन एंगल्स पे लगती हैं, या और कौन से एंगल्स होते हैं। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द एंगल्स whose sum is equals to 90 degree are known as complementary angles. ऐसे टू एंगल्स जिनका सम एग्जैक्ट 90 degrees होता है, वो एंगल्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 40 डिग्री गिवेन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री, क्लियर। अगर आपके पास कोई भी एंगल, डिस्टिंक्ट एंगल दे दिया गया 60 डिग्री, आपसे पूछा गया व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, दैट इज 90 माइनस 60, एंड इट इज इक्विवेलेंट ऑफ 30 डिग्री। ये हो गए आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात। नेक्स्ट जो एंगल आपको पढ़ना है, वो एंगल है आपके लिए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स में अगर हम लोग बात करते हैं, द एंगल्स whose sum इज
equals to 180 degrees are known as supplementary angles. ऐसे two angles जिनका sum exact 180 degrees होता है, वो angle कैसे होते हैं? Supplementary angles होते हैं. अब हम लोग अगर बात करें यहां पर, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री का सप्लीमेंट यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज 140. फॉर एग्जाम्पल एंगल इज 60 डिग्री, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट, देन इट्स सप्लीमेंट इज 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस आपको लाइंस एंड एंगल्स में देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट में सॉल्व हो जाएंगे. बस आपको यही याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 एंड सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो 180 होता है. नेक्स्ट कंडीशन में अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स जो कि लाइन्स के थ्रू बनते हैं. फर्स्ट कंडीशन में हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स की. ये देखिए, ये आपके लिए लाइन हो गई AB और ये लाइन हो गई आपके लिए CD. AB एंड CD एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं. यहां पर X फॉर्म हो रहा है, और जहां पर भी X फॉर्म होता है वहां पर जो अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल होंगे वो इक्वल होंगे. ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा. और यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं इस एंगल 3 की, तो ये इस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा. देखिए, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा एंड एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा. कैसे? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग बात करें पैरेलल लाइंस की. नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं पैरेलल लाइंस की, आपके लिए ये AB हो गई और ये हो गई CD. AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस. ये ट्रांसवर्सल L हो गई या M कुछ भी ले लीजिए. यहां पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा. ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? देखिए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2, 3 इज इक्वल्स टू 4, 5 is equals to 6, angle 7 is equals to angle 8. These all are the property of corresponding angles. Corresponding angles. अब आपके पास two major properties और बचती हैं. कौन कौन सी? जैसे आपने यहां पर पढ़ा कि x form होने पर आपको vertically opposite angles equal लेने हैं, सेम इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो जहां पर पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है, अगर उस चीज को ध्यान से देखें तो यहां पर जेड फॉर्म हो रहा है. ये देखिए जेड फॉर्म हो रहा है, और जहां पर जेड फॉर्म होता है वहां पर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अगर हम बात करें तो यहां पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये क्या होंगे? इक्वल होंगे. चलिए, तो यहां तक तो आपने फंडामेंटल्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले ली, फंडामेंटल सीख गए. अब उसके बाद आपको आपकी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अच्छा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर भी देख लीजिए. कोई भी स्ट्रेट एंगल होगा वो 180 डिग्री का होता है. अगर आप उसमें पार्ट्स कर दें तो ये फर्स्ट एंगल हो गया, ये टू एंगल हो गया, और इन दोनों का जो सम होगा वो भी कितना होगा? 180 होगा. यही प्रॉपर्टी होती है आपके लीनियर पेयर की, यही है आपकी प्रॉपर्टी लीनियर पेयर की. नाउ, अब आपकी जो भी बुक है आपके पास, एनसीईआरटी है, आरएस है, आरडी है, आप उन सभी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारी क्वेश्चन की ही सीरीज होगी. लेकिन उसके पहले अगर मैं आपको यहां पर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो एनसीईआरटी में आपकी जो भी एक्सरसाइज है उसमें लास्ट के 3-2 क्वेश्चंस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शीट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे. तो जरूर से जरूर जुड़े रहें हमारे इस चैनल पर जिसका नेम है पढ़ते रहो. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड बी विद अस. थैंक यू.